नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वायरलपुर में। आज वीडियो बताऊँ कैसे आप प्रोफेशनल तरीके से एजुकेशन वीडियो बना पाएंगे। आज से पहले आपने बहुत सारे एजुकेशन वीडियो देखी होगी, आपको एजुकेशन वीडियो बनाना भी आ गया होगा, लेकिन आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा कि प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाएं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाओगे तो आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, यही कारण कि आपके व्यूज़ वगैरह नहीं आते। तो इस वीडियो पूरा देखना आप। चलिए यहाँ पे एक चीज़ को दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको फॉन्ट साइज़ कितना रखना है, फॉन्ट कौन सा रखना है, क्योंकि मुझे पता चल गया है जो करंट अफेयर्स के टीचर हैं इंद्रेश सर, वो कौन सा फॉन्ट यूज़ करते हैं, फॉन्ट का साइज़ कौन सा यूज़ करते हैं और पेज सेटअप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गया है। तो आज इस वीडियो में यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि फॉन्ट का साइज़ क्या रखे, कितना पेज सेटअप रखे, कितना स्पेस रखे। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन है कितने बढ़िया से आ रखा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन भी कितने बढ़िया से आ रखा है, फिर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा आ जाता है, आपको कोई गैप नहीं दिखेगा, कितना बढ़िया से फुल स्क्रीन में बना हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे आपका अगला पेज आ जाता है, अगले पेज में कितना छोटा सा गैप है आप देख सकते हैं, फिर अगले पेज में ये क्वेश्चन आ जाता है चौथा क्वेश्चन। अब उसके बाद यहाँ से आप सारी क्वेश्चन को देखिए, आपका कई बार आप वीडियो बनाते हो तो देखा होगा कि आधा ऑप्शन पेज के इस पार, आधा ऑप्शन पेज के इस पार हो जाता है, ये सारी कमियाँ दूर हो जाएगी। आप देखा आपने किसी में भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि आधा इस पार आधा उस पार। और इसमें क्या फॉन्ट रखना है, इसका फॉन्ट कितना रखना है, ये सब चीज़ें सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को भी स्किप मत करना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल सा वीडियो बनाना सीख जाओगे एजुकेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, हमें प्ले स्टोर में चले जाना है। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आप दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, शायद आपके पास होगा भी। तो यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद देखिए एक तो है आपका एमएस वर्ड, आप यहाँ से एमएस वर्ड लिख के सर्च करोगे, मैंने पहले भी कई वीडियो में बता रखा है, एमएस वर्ड लिख के सर्च करोगे तो देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, इतना कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा एप्लीकेशन करना है, उसका नाम है गूगल, यहाँ पे गूगल लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे देखिए गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो ये देखिए दूसरा एप्लीकेशन ये है। अब दूसरा इससे आप हिंदी में लिख पाओगे, ना सिर्फ लिख पाओगे इसमें बोल भी पाओगे। अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, गूगल इंडिक को एक बार ओपन करेंगे। सेटिंग क्या करना, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है, पहली बार ओपन करोगे यहाँ पर इनपुट मेथड आएगा, यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर क्या करना है आपको इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज इस वाले को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेट परमिशन, यहाँ पे अलाउ करना हो तो अलाउ कर दीजिए, कॉन्टैक्ट को डिनाई करना तो डिनाई कर दीजिएगा। तो डिनाई करने पे नहीं हो रहा तो एक्सेप्ट कर देंगे, इतना करने वाला तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये हमारे कर देंगे तो देखिए रेडी हो चुका है, गेट स्टार्टेड पे कर देंगे। अब यहाँ से जल्दी से क्या करना है, सिलेक्ट इनपुट लैंग्वेज करना है, यहाँ पे वही रहने देना है, एक छोटा सा इनपुट में चले जाना है। इनपुट में देखिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऑटो स्पेल करेक्शन को हटा देना है, इससे बहुत दिक्कत आता है, इतना ही करना है आपको, यहाँ से भी ऑटो स्पेल करेक्शन को आपको हटा देना है, तो हटा देंगे। अब इतना आपने कर दिया, आप सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पे कीबोर्ड पे आएंगे, कीबोर्ड में एक काम करना है ताकि आपका माइक आ जाए, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में आप क्लिक करें, कीबोर्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा शो वॉइस इनपुट बटन, अगर आपका ऑफ होगा तो इसको ऑन करना है, तो आपका माइक का ऑप्शन आ जाएगा शो वॉइस इनपुट बटन। अब इतना कर दिया आपने, अब आपका काम हो चुका है, अब आपका काम हो चुका है तो अब आपको क्या करना है, एक बार यहाँ से आ जाइए, अब जो एम एस वर्ड ऐप है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो जहाँ भी आपका एम एस वर्ड है अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो आपको बता रखा है पहले वीडियो में कैसे क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक प्लस पे आ जाएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लो, घबराइए मत, मैं एक एक क्वेश्चन लिख कर नहीं बताने वाला हूँ, आपको फॉन्ट साइज क्या रखना है, पेज सेटअप क्या रखना है, बस यही बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आ गए आप, एक बार यहाँ पे आप टाइप करके देखिए, अभी इस देखिए माइक वाले पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सेटिंग पे हम क्लिक कर देंगे, सेटिंग पे क्लिक कर देंगे आप, यहाँ पे लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज पे आप चले आएंगे, लैंग्वेज पे आने के बाद आपको जितना भी हिंदी के अलावा हो, इंग्लिश हो, यूनाइटेड इंग्लिश हो, उन सबको हटा देना, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करना है तो वॉइस है तो इन सबको आप हटा देंगे, केवल और केवल यहाँ से देखिए हिंदी रखना है, तो आप जो भी बोलेंगे हिंदी में टाइप होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप जो भी देखिए केवल हिंदी रखना है, यूएस इंग्लिश वगैरह सब हटा दीजिएगा, अनचेक कर दीजिएगा। यहाँ पे करने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे, अब हमारा काम पूरा हो चुका है, अब यहाँ से हम बोल करके जो भी टाइप करेंगे, अब देखिए मैं बोलूँगा बीच में चुप हो जाऊँगा, नहीं तो जो बोल रहा हूँ इसमें टाइप हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग में आ सकते हैं, आप जो भी आप करना है देखिए सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आपको कोई भी मतलब बदलाव करना हो तो कर दीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन इतना करने के बाद आप देखिए आपको क्या करना है, इस वाले पे आपको आना है, देखिए यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ से होम होता है, ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है। अब चलिए जान लेते हैं इसमें फॉन्ट साइज़ आपको क्या रखना है और कैसे वीडियो को बनाना है। तो यहाँ देखिए कैलिबरी पे हम क्लिक करेंगे, जो भी लिखाएगा फॉन्ट पे, यहाँ से नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारा नीचे आना है, के ऑप्शन पर आ जाना है, यहाँ से देखिए के वाले पर आ जाते हैं पहले,
अब देखिए के वाले पे आ चुके हैं हम। यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा है कोकिला, तो आपको हमेशा फॉन्ट क्या रखना है, कोकिला रखना है। अब यहाँ से आपने कोकिला रख दिया। अब कोकिला रखने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ कितना रखना है ये बता देते। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, फॉन्ट का साइज़ हमेशा आपको जो इंद्रेश सर रखते हैं वो क्या रखते हैं, 22 रखते हैं। अब इतना आपने कर दिया। अब आपको एक क्या काम करना है, ताकि आपका वीडियो जो क्वेश्चन बने गैप सही आए, तो गैप कितना रखना है हर एक क्वेश्चन के बीच में, अब ये बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, टाइप करूँगा। देखिए यहाँ पर होम पे आप क्लिक करके यहाँ से डाउन चले जाते हैं। अब यहाँ से टाइप करता हूँ तो कीबोर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड आ चुका है। अब आपको नेट ऑन रखना है, नेट ऑन रखोगे तभी आप वॉइस टाइपिंग कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और काम करना है, हिंदी में टाइपिंग करने के लिए इस वाले पे क्लिक करेंगे, हिंदी पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो लिखे वाले पे कर देंगे, तो मैं यही रखता हूँ। अब यहाँ से हिंदी में भी आप टाइप कर पाएंगे, इंग्लिश हिंदी में। अब इतना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस वाले पे क्लिक करेंगे, अब क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को लिखेंगे। अब चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके बोल के दिखाता हूँ आपको, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अब देख लिया आपने यहाँ से कितने बढ़िया से हमारे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब यहाँ से आप यहाँ से गैप दोगे, एक एक स्पेस दबाना है यहाँ पे। अब यहाँ से आपके ऑप्शन लिख देने हैं, तो चार ऑप्शन लिखोगे आप, जल्दी जल्दी से लिख लेना। मैं हर एक, अब देखिए फिर से माइक लाने के लिए ये काटने वाले बटन पर क्लिक करते फिर से माइक पर आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी, फिर से एक स्पेस देना है, ऐसे ही कर करके चारों ऑप्शन लिख लेना है, फिर से यहाँ से काट देना है, माइक का ऑप्शन आ जाएगा। अमित शाह, अब देखिए दो ऑप्शन आ गए, ऐसे ही करके आपका टाइम भी बचेगा आपका। फिर से यहाँ से एक ही ऑप्शन देना है, फिर से यहाँ पे माइक आ जाएगा। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी। अब देखिए हमारे चार ऑप्शन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मेन काम आता है आपको कितना स्पेस देना है, ये वाला स्पेस का बटन है आपको मैं बताता हूँ, उतना ही स्पेस दीजिएगा। अब एक बार टाइप किया आपने, फिर एक बार टाइप किया, दो स्पेस देना है बस, दो बार यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से अगला क्वेश्चन लिखना है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं दो, और फिर यहाँ से क्वेश्चन लिख दिया आपने, फिर एक स्पेस दे के चार ऑप्शन लिखना है, फिर अगला क्वेश्चन आने के लिए दो स्पेस देना है। हमेशा दो स्पेस दोगे, आपका ये फॉन्ट यही रखना है, ये सारी चीज़ें यही रखना है। अब यहाँ पे आपका वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पे चले आओगे, यहाँ पे सेटिंग पे चले आओगे, सेटिंग पे क्लिक, सॉरी सेटिंग पे नहीं जाना था, यहाँ पे फिर से थ्री डॉट पे आ जाते हैं, थ्री डॉट पे आ जाओगे, यहाँ पे आप चले आओगे प्रिंट पे। प्रिंट पे आने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन लेता है, टाइम लेता है। अब यहाँ देखिए पेपर यहाँ पे आपका प्रिंट होकर पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए आपको अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पेपर साइज हमेशा लेटर रखना है। क्या रखना है आपको, पेपर का साइज लेटर रखना है, ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप नहीं रखना है। इतना चीज़ें आपको दो सेटिंग करनी है। आपको क्या करना है, पेपर साइज लेटर रखना है और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना है। अब यहाँ से सेव कर दोगे, सेव कर दोगे, यहाँ से सेव कर दोगे तो यहाँ से आपका सेव हो जाएगा। अब आपका ये बढ़िया सा बन के तैयार हो चुका है। अब इस देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये आपको एक बार ओपन करके दिखाई देता हूँ। अब यहाँ से चले आएंगे, यहाँ पे फाइल्स पे आ जाएंगे, फाइल्स पे आने के बाद देखिए मैंने वायरलपुर जी के नाम से बना रखा है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, आपको ओपन किस ऐप से करना है पीडीएफ फाइल को, तो एडोब एक्रोबैट से इससे आपको ओपन करना है, तो आपका गैप कम आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको भी डाउनलोड कर लेना। अब इतना ओपन कर दिया, अब यहाँ से आपको ये काम करना है। देखिए एजुकेशन वीडियो बनाते हो तो यहाँ पे देखिए इस वाले को यहाँ से रोटेशन होता है, आपको जो फ़ोन का रोटेशन होता है उसको ऑन कर देना, ऑन कर दोगे। अब यहाँ से नेट का काम हो चुका है तो इसको ऑफ कर देते हैं, रोटेशन ऑन कर दोगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ से मोबाइल को ऐसे पकड़ोगे, आप फिर क्या करोगे, स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करना, आई बटन पे क्लिक करना है, स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे यूज करते हैं, तो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा, पेन का बटन आ जाएगा, तो यहाँ से लिख भी पाओगे जो भी। यहाँ से एक बार टाइप करेंगे, आप देखिए यहाँ से फुल स्क्रीन में आ चुका है। अब देखिए जीके जीएस के लिए फॉन्ट कितना रखा होता है, जीके जीएस यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे इसके लिए फॉन्ट 72 रखना है, इसके लिए फॉन्ट आपको 36 रखना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके लिए 72 इसको 36। अब यहाँ से कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा। आप देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, कितना बढ़िया से बन चुका है। तो आप भी ऐसे करके वीडियो बना लीजिएगा, वीडियो में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।